एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दो डाले थे, पार्ट वन और पार्ट टू, जो वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले, इनको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। अगर अभी तक आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा तो जल्दी से उनको देख लीजिए, ये पार्ट थ्री है। आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, स्टॉक तथा प्रवाह से क्या समझते हैं, स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर बताइए। क्वेश्चन हमारा है कि स्टॉक तथा प्रवाह से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कि स्टॉक तथा प्रवाह से आप क्या समझते हैं, स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर बताइए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा है आपका राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको जरूर याद कर लेना आपको, राष्ट्रीय आय और निजी आय। बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा, भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु पांच आवश्यक सुझाव दीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु पांच आवश्यक सुझाव दीजिए। अगर आप मैंने जो पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री है, एक और आएगा आपका पार्ट फोर, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे आपके 70-80 नंबर कहीं नहीं गए हैं मेन एग्जाम पे। अगर ऐसे ही और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन क्या था, भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु पांच आवश्यक सुझाव दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पांच कार्यों को संक्षेप में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, चाहे व्यापारिक बैंक या रिजर्व बैंक, इन दोनों का आप तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन आपका 200% आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पाँच कार्यों को संक्षेप में लिखिए। अगला, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर लिखिए। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर लिखिए, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। अगला क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है इसके कोई पांच कार्य लिखिए। केंद्रीय बैंक क्या है इसके कोई पांच कार्य लिखिए। अगला है आपका बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर समझाइए, मुद्रा के कार्यों को समझाइए। मुद्रा कार्य आपको हर हाल में तैयार कर लेना है, मुद्रा कार्य और महत्व आपको अनिवार्य रूप से तैयार करना है। बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, इनको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप ना छोड़िएगा, हर हाल में इनको तैयार कर लीजिएगा, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।